हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द टेक फिक्शन। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेके आया हूं कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की पहली और जो सबसे बड़ी न्यूज आ रही है वो आ रही है गूगल कंपनी की तरफ से। गूगल कंपनी ने अपने एंड्रॉइड पी का डेवलपर प्रीव्यू लॉन्च कर दिया है। एंड्रॉइड पी, अब एंड्रॉइड पी का क्या नाम है, क्या वर्जन है, ये तो कि सामने निकल के नहीं आया है। अभी इसका वर्जन 8.2, 9.0, 10.0 कुछ भी हो सकता है, ये अभी कंपनी ने अनाउंसमेंट नहीं किया है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे और फोकस डालते हैं इसके कुछ मेन फीचर्स के ऊपर कि क्या क्या चेंजमेंट इसके अंदर हुआ है। दोस्तों, जो पहला फीचर सामने निकल के आ रहा है वो आ रहा है नोट सपोर्ट का, यानी कि अब एंड्रॉइड पी नोट्स को सपोर्ट करेगा। आप सोच रहे होंगे नोट्स क्या होता है। देखिए, आपने आईफोन एक्स यूज़ किया होगा, फिर देखा होगा जो उसकी डिस्प्ले होती है वो नोट्स टाइप में होती है। यानी कि अगर आप कोई ऐप डेवलप करते हैं, ये बेसिकली ऐप डेवलपर के लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि जो ऐप डेवलपर है वो एंड्रॉइड ऐप बनाएंगे तो अपने यूआई को नोट्स के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर सकेंगे। और जो ऐप्स होंगे एंड्रॉइड के आगे आने वाले वो भी काफ़ी ज़्यादा, मतलब कि बहुत अच्छे होंगे दिखने के अंदर, उनका यूआई भी काफ़ी स्मूथ होगा। दोस्तों, सेकंड फीचर इसका सामने निकल क्या है, इंडोर पोजीशनिंग का। यानी कि पहले जो जीपीएस ट्रैक होता था वो क्या होता था कि जब आप किसी बड़ी बिल्डिंग में चले जाते थे या फिर किसी शॉपिंग मॉल में चले जाते थे, क्या होता था कि वहाँ पे जीपीएस ढंग से काम नहीं करता था। लेकिन अब क्या हुआ कि इंडोर पोजीशनिंग को इसने सपोर्ट किया है। और इसने जो इंडोर पोजीशनिंग को सपोर्ट करने के अंदर यूज किया है RTT को, यानी कि अगर आप अपने शॉपिंग मॉल के अंदर है तो भी आपकी जो जीपीएस लोकेशन है वो एक्यूरेट दिखा देगा। दोस्तों, जो नेक्स्ट फीचर आया हुआ है ऑन मशीन लर्निंग का, यानी कि अगर आप एक बार किसी ऐप को डाउनलोड करके उसके अंदर साइन इन कर देते हैं और उस ऐप को अनइंस्टॉल कर दिया और उसके बाद में आप जब उसको दोबारा इंस्टॉल करेंगे तो आपको दोबारा उसमें अपने ईमेल आईडी और पासवर्ड डालने का जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके अंदर ऑटोफिल का ऑप्शन जोड़ दिया। ये पहले ओरियो के अंदर भी था, लेकिन टी के अंदर इसको काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट किया गया है। ओरियो के अंदर काफ़ी ऐप में सपोर्ट नहीं था, लेकिन एंड्रॉइड टी के अंदर आप जितने भी ऐप देखोगे, चाहे वो आपका फेसबुक हो, चाहे ट्विटर हो, कौन सा भी ऐप हो, उसके अंदर ऑटोफिल पासवर्ड का ऑप्शन इसने दे दिया है। दोस्तों, अगला फीचर सामने निकल के आता है मल्टीपल कैमरा सपोर्ट का। सपोज दैट आपके मोबाइल के अंदर 4 कैमरे हैं, 2 आगे और 2 पीछे, और आप मल्टीपल कैमरा सपोर्ट की मदद से क्या होगा कि उन चारों कैमरों को एक साथ में एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए आप जो सीसीटीवी कैमरे देखते हो अपनी मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर, तो जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उन सारे के सारे अलग अलग डिवाइडेशन हो जाता है उनके अंदर। और इसी हिसाब से आप एंड्रॉइड फ़ोन के अंदर भी मल्टीपल कैमरा सपोर्ट की मदद से तीनों चारों जो भी आपके मोबाइल के अंदर कैमरे हैं उन सबको एक साथ में एक्सेस कर सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट फीचर आ रहा है वो आ रहा है नोटिफिकेशन पैनल का। पहले नोटिफिकेशन पैनल में क्या होता था कि जब भी कोई मैसेज आता तो आपको उसको दिखा देता था कि किसका मैसेज है यार, क्या मैसेज है। लेकिन एंड्रॉइड पी के अंदर इसको काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट किया गया है। अब अगर आपके पास में कोई मैसेज आता है तो आप उसको नोटिफिकेशन पैनल के ऊपर से ही रिप्लाई कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये तो पहले भी था काफ़ी डिवाइसेज के अंदर, ये पहले भी था, लेकिन सपोज दैट आपके किसी फ्रेंड ने आपको कोई इमेज सेंड की है, आप उस इमेज को देखना चाहते हैं तो आपको उस ऐप को ओपन करना ही पड़ेगा। लेकिन एंड्रॉइड पी के अंदर ऐसा नहीं है। एंड्रॉइड पी के अंदर वो इमेज आपको नोटिफिकेशन पैनल में ही दिखा देगा और वहीं से आप उसका रिप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ इसके मेन फीचर्स। आगे काफ़ी डेवलपर प्रीव्यू इसके लॉन्च होंगे और भी काफ़ी ज़्यादा फीचर इसमें जोड़े जाएंगे। दोस्तों, अगर आप अपने एंड्रॉइड पी को अपने मोबाइल के अंदर इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आपको मैं बता दूं, ये केवल जो गूगल के पिक्सल डिवाइसेज है उनके लिए भी अवेलेबल है और उसके अंदर भी इसका अपडेट नहीं मिला है। आपको सीधे गूगल की डेवलपर वेबसाइट के ऊपर जाना है और वहाँ से इसकी जो फ्लैश फाइल होती है उसको डाउनलोड करना है और उसको मैन्युअली आपके मोबाइल के अंदर फ्लैश करना पड़ेगा, तभी आप एंड्रॉइड पी डेवलपर जो प्रीव्यू वर्जन है उसको यूज़ कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। अब लॉन्चिंग डेट तो अभी इसके सामने निकल के नहीं है, कब ये लॉन्च होगा। जब ये लॉन्च होगा तब जाके नेक्स्ट जो मोबाइल होंगे अपने, जो नए मोबाइल आएंगे उनके अंदर इसका अपडेट मिलेगा। दोस्तों, जो नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है वो आ रही है एयरटेल कंपनी की तरफ से। एयरटेल कंपनी ने कोलकाता के अंदर अपना 4G का वोल्टी सर्विस स्टार्ट कर दी है। आज तक आपने वोल्टी सर्विस केवल जियो के अंदर यूज़ की होगी, लेकिन आगे चल के आपको एयरटेल के अंदर भी वोल्टी सर्विस देखने को मिलेगी। अगर आप कोलकाता में रहते हैं तो आपको पता ही होगा ऑलरेडी, बाकी सिटीज़ के अंदर भी जल्दी वोल्टी सर्विस एयरटेल की आ जाएगी और आप बेहतर तरीके से HD वॉइस कॉल, वीडियो कॉल कर पाएंगे। तो जो नेक्स्ट न्यूज आ रही है वो आ रही है वोडाफोन कंपनी की तरफ से। वोडाफोन कंपनी ने भी एयरटेल और जियो को देखते हुए अपनी 4G की वोल्टी सर्विस को स्टार्ट करने की तैयारी कर ली है। कंपनी का दावा है कि इस साल के एंड तक वो तमिलनाडु के अंदर अपनी 4G की वोल्टी सर्विस स्टार्ट कर देगी और इसका मतलब हमें काफी सारी कंपनियों के अंदर वोल्टी सर्विस देखने को मिल जाएगी और हम बेहतर तरीके से HD वॉइस कॉल और वीडियो कॉल को कर सकते हैं।
तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब करने के अलावा उसके पास में बेल आइकन होता है, आप उसे भी जरूर दबा दें। उससे क्या होगा कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा और उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा और कोई भी वीडियो आपका मिस नहीं होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय। I wear designer, check the name on the tag. White fox fur on my jacket. Excuse me, that's a